समाचार सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रजा सिंह। आज प्रदेश में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित आरडीएसओ में बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया गया। इस मौके पर व्रती महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली हेतु प्रार्थना की। छठी मैया एवं सूर्यदेव को बड़ी पवित्रता के साथ बनाए गए अपने हाथों से प्रसाद के रूप में विभिन्न पकवान फल इत्यादि अर्पित किए। 36 घंटे की कठिन तपस्या कर व्रती लोग कल सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत को समाप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तस्वीर में देखिए व्रती महिलाएं जल में खड़ी हैं, पानी में खड़ी हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हैं, छठी मैया की उपासना कर रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूजा को लेकर?
अभी हमारा सबसे बड़ा पूजा है भैया, सबसे बड़ा महापर्व। निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि इतने लंबे समय से निराजल रहकर 36 घंटे का ये व्रत है, कल सुबह आप लोग पारण करेंगे, कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही है? कभी नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूजा की तैयारी को लेकर? बस भैया ऐसे ही करते रहे, आगे ऐसे करते रहे सभी लोग। इस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ा कठिन व्रत है और आप मैडम जो लगातार व्रत है और निश्चित रूप से थकान शरीर पे है, तो लेकिन ये लोग एक पूजा की एक जो ललक है, जो एक भाव है, जो एक श्रद्धा है सूर्य भगवान के प्रति, छठी मैया के प्रति, वो उस थकान को अपने शरीर पर नहीं आने दे रहे हैं, लगातार उस व्रत को पूरा कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर इस पूजा में शामिल है और इस पूजा की भागीदार बन रही हैं, साझेदार बन रही हैं। इसी क्रम में एक मैडम और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा रुचिका शर्मा। क्या कहना चाहेंगे पूजा देखने सर? ये हमारे बिहार का पर्व है और इसके हम लोग बहुत बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। ये मेरी बहन है जो आज पूजा कर रही है, ये देखने के लिए, मेरी शादी भी 12 साल हो गई हमारी तरफ। ये हमारी तरफ लोग जो है वो यूपी के हैं, वो इस त्योहार की महत्ता को जानते तो हैं लेकिन अभी उन लोगों ने शुरुआत नहीं की है। और मैं अपने दीदी जिया के घर आती हूँ और हर साल आती हूँ, अपने सारे काम छोड़ करके हम लोग इस पूजा को देखे बगैर एक सेकंड का पल हम लोगों को नहीं मिलता, चैन नहीं मिल सकता है। निश्चित रूप से आप लोग दूर दराज से अपना जो लोग भी व्रत रहते हैं आप उनके परिवार में जाते हैं तो तैयारियों में भी जो है सहयोग करते होंगे, तो क्या क्या तैयारियां होती होंगी, क्या क्या इस प्रसाद के प्रमुख प्रसाद क्या क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे जो गेहूं होता है जिससे हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, ठेकुआ जैसे सबको पता है कि बिहार का जो छठ पर्व है इसका सबसे प्रमुख जो प्रसाद होता है वो ठेकुआ होता है। ठेकुआ बनाने के लिए जो हम लोग गेहूं होते हैं उसको भी धुलने के बाद से एक चिड़िया का मुंह भी उसमें नहीं लगने देते हम लोग, उसको बैठ करके जब से हम लोग बच्चे थे, हम लोग छोटे छोटे थे तब तक हम लोगों की मम्मियां भी बैठे पहरेदारी करनी पड़ती थी। और फिर उस गेहूं को बहुत साफ तरीके से रखा जाता है, हर एक चीज ये लोग नया यूज करते हैं, एक छोटा सा रुमाल भी अगर हम यूज करते हैं तो वो नया ही कपड़ा होता है, कोई भी चीज हमारे यहाँ पुरानी नहीं यूज होती है। चूल्हा बनता है वो भी नए नए ईंटों से बनता है, उसमें जो दीपक लगता है वो भी नए दीपक नया ही होना चाहिए। तो ये त्योहार मतलब श्रद्धा का त्योहार है अगर आप कहें तो इसको। निश्चित रूप से श्रद्धा का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है और बड़े लगन से इस पूजा को भक्ति भाव से किया जाता है। एक समय था बिहार से यह पर्व शुरू हुआ था, आज पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के विभिन्न कॉलोनियों में, विभिन्न इलाकों में बड़े धूमधाम के साथ यह त्योहार मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आप ये तस्वीर आप अब जो देख रहे हैं ये RDSO परिसर की है, जहाँ पर महिलाएं इस त्योहार को अपने परिवार के साथ बड़े धूमधाम से भक्ति भाव के साथ मना रही हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।